कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बैठो बैठो सानी साहब, 5 मिनट के लिए।
मधु जी, एक बर्बादी जो होती है ना, मैं तुमको मेरी लाइफ स्टोरी 3 मिनट में सुना देता हूँ। प्लीज बैठो। जब मैं 8th grade में था तो मेरी बाजू में एक लड़का था, तो वो चला गया तो उसका रेनकोट था, तो मैं लेके पा गया। बचपन की छोटी स्टोरी कितनी बड़ी बनती है, वी डोंट इवन नो। घर गया, मेरी मम्मी ने डांटा कि क्यों चोरी किया तूने। मैं भागा तो ऐसी लड़की खड़ी थी, मैंने दे दिया को लड़का है तो उसको दे देना। तो दूसरे दिन ऐसे स्टेर में थे, वो आ रही थी हंसी, तो बोली मैंने दे दिया था। फिर तीसरे दिन हंसी, फोर्थ दिन हंसी, फिर फिफ्थ दिन स्कूल का जो था ना वो ग्रास का एरिया, उधर ये आई और वो दूसरी लड़की थी उसके मेरे घर के पीछे रहती थी, और मुझे पता था कि वो लड़की को पता था कि मैं कौन हूँ, और रास्ते में सोता था, वो स्लीपिंग ऑन अ ट्री। सो मैंने बोला चलो इधर ऐसे ट्री है, मैं भाग गया। तो मैंने बोला सारा आज पकड़ा जाऊंगा, लड़की बोल देगी ना, तो चुप गया। मैंने बोला इधर जाओ इधर जाओ, इधर गए तो दोनों लड़की सामने आ गई, एक लड़की हंसी दूसरे ऐसे मुंह कर दिया। तो उस दिन से वो लड़की ने बता दिया, तो उस दिन से वो लड़की मेरे सामने कभी देखा नहीं। बट एवरी सिंगल डे आई टू फॉलो हर, वेयर शी गो आई टू फॉलो हर। आई वाज इन 8th ग्रेड, छोटा बच्चा, छोटी फुटप्रिंट, यू नो, बट दीवाना हो गया था। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं यार? उधर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इज इट ट्रू स्टोरी? बट ऐसा नहीं हो जाए उसके।